देवियां अपने पति को कब्जे में करना चाहती हैं। कुछ तो बहनें गर्दन हिला रही हैं, तो सुन लो कब्जे के परिणाम तेरे। कहा पति मेरी बात नहीं मानता था, मेरी सुनता ही नहीं था, तो मेरे बगल में रहने वाली एक सहेली थी, मैं अपना दुखड़ा उसके पास रोती। मैंने उसे कहा कि ये आदमी मेरी बात नहीं मानता, कैसा ये ऐसा कोई उपाय है क्या कि ये मेरे पूछे बिना कोई काम ही ना करे। तो मेरी पड़ोसन ने हे राजन मुझसे कहा कि यहां से 60 किलोमीटर दूर, लगभग 20 कोस दूर एक सन्यासिन रहती है, भगवे कपड़े पहनती है और वह एक ऐसी दवाई देती है कि जिस दवाई को पति खाते ही पत्नी के बस में हो जाता है। उससे मैंने पता लिया और मैं उस सन्यासिन के पास पहुंची। मैंने उसको अपना दुखड़ा बताया, उसने मुझसे धन तो लिया लेकिन उसने मुझे पुड़िया बांध करके एक ऐसी औषधि दे दी और कहा कि दूध के साथ यह अपने पति को दे देना, तेरा पति तेरे बस में हो जाएगा। और मैंने उसी का विश्वास कर लिया और मैं वह औषधि लेकर के आई। रात्रि को सोते समय दूध में घोल करके वह औषधि मैंने अपने पति को दे दी। और तो नहीं किसी को चाहिए ऐसी औषधि, मेरे पास भी है। हाँ? चाहिए? बसीकरण की औषधि है ना मेरे पास, चाहिए किसी को? लेकिन मेरे पास पुड़िया वाली नहीं है, मेरे पास दूसरी है। पति कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुम्हारे आसपास ही घूमेगा। दवाई है, तुम नहीं चाहोगे तो भी मैं दे रहा हूं। बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। इस मुंह से मीठा मीठा बोलिए, झगड़ा मत कीजिए, घर में कलह मत कीजिए, मधुर बोलिए, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, पूरा खानदान आपका हो जाएगा। ये सबसे बड़ी औषधि है। पता नहीं उस सन्यासिन ने तो क्या दिया पुड़िया में, वर्णन है कि उसने अपने पति को दूध के साथ घोल करके दे दिया। जैसे ही वह औषधि मेरे पति ने ली तो मेरे पति का शरीर गलने लगा, पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, उसमें से रक्त और पीप चुचाने लगी, उनकी देह में उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। वो गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, देवी कैसे भी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे छोड़कर के कभी कहीं नहीं जाऊंगा, कैसे भी मुझे बचा ले। जब वो गिड़गिड़ाने लगे तो मैंने कहा कि अब तुम होश में आ गए, पहले ही मेरी बात मान लेते तो ये सब नौबत ही क्यों आती। फिर मैं द्वारा उस सन्यासिन के पास गई, मैंने उनसे यह कहा अब कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बीमार पति है वो ठीक हो जाए। उन्होंने एक पुड़िया फिर द्वारा से दी, उसको मैंने फिर दूध में डाल करके उन्हें पिला दिया। उसके प्रभाव से धीमे धीमे वह ठीक होने लगे। लेकिन हुआ यह है कि एक समय ऐसा आया मेरी मृत्यु हो गई, मेरी मौत हो गई। मैं मरने के तत्पश्चात यमराज के यहां पहुंचे, मुझे बहुत तकलीफें दी गईं, मेरे ऊपर किसी की करुणा नहीं थी, मुझे वही दंड दिया गया जो पति की अवहेलना करने पर, उसे कष्ट देने पर एक नारी को जो दंड मिलता है वह दंड मुझे दिया गया। 96,000 वर्ष तक मैं नरक में घूमती रही, मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरा आत्मकल्याण नहीं हुआ। 96,000 वर्ष तक नरक काटने के तत्पश्चात मृत्यु लोक में भेजने का संदेशा मुझे मिला और मुझे कहा गया कि धरती पर 84 लाख योनियों में तू छिपकली जाकर के बनेगी। छिपकली इतनी अशुभ है, यदि किसी के ऊपर गिर जाए तो तत्काल डूबा पानी में स्नान करना पड़ता है। छिपकली का गिरना ऊपर शुभ नहीं है, वो मृत्यु का हरण करती है। छिपकली 84 लाख योनियों में इतना गिरा हुआ जीव है, मैं गिड़गिड़ाने लगी, मैं रोने लगी और मैंने कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा,
मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब उस समय यमराज ने मुझसे कहा था कि तुझे छिपकली तो बनना पड़ेगा, यदि मृत्यु लोक में कोई अपनी एक वर्ष की एकादशी तुम्हें दे देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे राजन, मैं 10,000 वर्ष से यहां पड़ी हूं, कितनी बार मैंने सोचा मैं मर जाऊं। कुछ महात्मा लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे कि धन्य है राजा रुक्मांगद जिसने प्रजा के द्वारा भी 11 से 11 एकादशी का व्रत करा के इस धरती के जीव जगत का कल्याण किया है, उद्धार किया है। वो ऐसा बोल रहे थे, 10,000 साल हो गई हैं मुझे जन्म लिए, सैकड़ों साल पहले मैंने तुम्हारा नाम सुना, तब से लेकर के अभी तक मैं उस प्रतीक्षा में हूँ। कब यहाँ से राजा रुक्मांगद निकले और वह मुझे अपना 1 वर्ष का एकादशी का व्रत दे दे जिससे मेरा कल्याण हो जाए। राजा ने एकादशी साल की देने के लिए जैसे ही संकल्प करने की कोशिश की तो मोहिनी ने पानी गिरा दिया नीचे, कहा जिसने पति का अपमान किया है उसको तो कष्ट भोगने दीजिएगा, इसको तुम अपनी एकादशी मन दीजिएगा। राजा का दायना हाथ पकड़ लिया, लेकिन राजा ने कहा, रानी तू भले ही मुझे छोड़ करके चले जाना, मैं सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सबसे पहले मैं जगत के कल्याण के लिए इस धरती पर आया हूं। और राजा ने हाथ में जल लेकर के जैसे ये कहा कि मैं 1 वर्ष की एकादशी इस छिपकली को मैं समर्पित करता हूं, यदि मैंने भाव से एकादशी का व्रत किया तो इसका उद्धार हो जाए, उसी समय वह छिपकली एक दिव्य मनुष्य रूप में मानवी रूप में आई और भगवान का दिव्य विमान वहीं उतर करके आया। घंटा घड़ियाल बज रहे थे और उसी विमान पर बैठती हुई वह नारी भगवान के दिव्य लोक के लिए चली गई। एकादशी के द्वारा उसका कल्याण हो गया।